हरियाणा में इन दिनों चुनावी पारा जो है चरम पर है और सभी पार्टियों के प्रत्याशी जनता के बीच जाकर उन्हें वोट करने की अपील कर रहे हैं। ऐसे दूसरी पार्टियों के द्वारा जो है फैमिली आईडी को मुद्दा बनाकर यह कहा जा रहा है कि जो फैमिली आईडी है वो जनता के लिए कहीं ना कहीं एक समस्या बड़ी बन चुकी है। और वहीं भाजपा का कहना है कि उन्होंने फैमिली आईडी लोगों की बनवा कर लोगों को सभी तरह की सुविधा जो है एक ही क्षेत्र में दी है। लोगों की फैमिली आईडी की मदद से राशन कार्ड घर बैठे बन रहे हैं। तो ऐसे में अंबाला के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि फैमिली आईडी को लेकर उनके क्या कुछ विचार है। तो चलिए बात करते हैं जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अर्जुन सिंह है। फैमिली आईडी बनी थी तो कितना लाभ आपको मिला है या कुछ समस्या आई? जी देखिए, पहले क्या होता था कि फैमिली आईडी जब नहीं थी तब जो राजनीतिक नेताओं के संबंधी होते थे या फिर जो करीबी होते थे उन्हीं के कहने से ही सबके वोटर कार्ड कह लो, अपना इनकम सर्टिफिकेट कह लो या फिर राशन कार्ड, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एक आम नागरिक के लिए, तो उसको बनाने के लिए भी एक सिफारिश की ज़रूरत होती थी। जिसके पास भी सिफारिश होती थी उसका पीला राशन कार्ड बन जाता था। लेकिन फैमिली आईडी बनने के बाद जितने भी आप देख सकते हैं पात्र लोग हैं जो कि 1,80,000 से नीचे की इनकम है उनकी ऑटोमेटिक ही फैमिली आईडी बन रही है। आज किसी को पेंशन के लिए कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, जिसकी 60 साल की उम्र हो जाती है उसकी पेंशन ऑटोमेटिक लग जाती है। लेकिन ये सब पहले नहीं था, तो ये सरकार ने इसके ऊपर गौर किए, बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे अगर किसी की इनकम है उसका पता करना है तो उसके लिए सरकार ने एक बहुत बढ़िया एक सिस्टम लेकर आए हैं फैमिली आईडी का। इसके बीच में सभी के बैंक खाते, आधार कार्ड, सारी चीज़ें फैमिली आईडी से लिंक है, जिससे कि सरकार को किसी को भी मतलब आगे भेजने की ज़रूरत नहीं है, किसी को सिफारिश देने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप डाटा उठाते हैं और जो भी पात्र होते हैं, जो भी कैपेबल होते हैं, उनको उस योजना का लाभ फैमिली आईडी के थ्रू मिलता है। घर में किसी को फैमिली आईडी के जरिए कोई सुविधा मिली हो बेहतर? जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ मुझे क्या, हर किसी को फैमिली आईडी से बहुत ज़्यादा सहूलियत मिली है। इनकम सर्टिफिकेट होता है उसके लिए पहले हमें अलग से बनवाना पड़ता था, लेकिन फैमिली आईडी अब इनकम सर्टिफिकेट का काम करती है। राशन कार्ड होता था उसका काम अब फैमिली आईडी करती है। अब जितने मेरे आस पड़ोस के लोग हैं, पहले वो राशन लेते थे तो कभी कभार ऐसा हो जाता था कि परिवार के एक आध सदस्य का नाम छूट जाता था, लेकिन अब क्या है कि फैमिली आईडी जब से उठा रहे हैं वो लोग सिस्टम के अंदर, तो उसके अंदर जितने भी नाम हैं सारे वो ऑटोमेटिक उठ जाते हैं और सभी को उसका राशन भी मिल रहा है और ये लाभ भी मिल रहा है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतिंदर सैनी है। तो फैमिली आईडी को लेकर क्या कुछ विचार है आपके? देखिए, फैमिली आईडी होने से एक चीज़ है कि एवरीथिंग हैज़ कम अंडर वन बेल्ट। पहले क्या होता था कि हमें हर चीज़ के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते थे। राशन कार्ड के लिए हमें काफ़ी कुछ लगवा के सरपंच से या अपने एमसी से और बाकी करवा के हमें पूरा करना पड़ता था प्रोसीजर, तब जाके राशन कार्ड या बाकी भी जैसे इनकम सर्टिफिकेट, जैसे अर्जुन जी ने बोला, ये सब डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते थे। अभी क्या है, फैमिली आईडी के बनने से क्या हुआ है कि एक तो हर एक फैमिली में कितने मेंबर्स हैं उसका डाटा है गवर्नमेंट के पास, हरियाणा गवर्नमेंट के पास। उसके बाद क्या होता है कि फैमिली की एक इनकम हमें पता है, तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या हो रहा है कि जिसकी भी इनकम 1,80,000 से तक है, जिस भी फैमिली की टोटल इनकम एनुअल 1,80,000 तक है, उनको ऑटोमेटिकली जो भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स हैं, सुविधाएँ हैं, जैसे पेंशन है, 60 साल की एज होते ही पेंशन लग जाती है, राशन भी है जो जिसके पीले राशन कार्ड की कैटेगरी में जो क्वालिफाई होता है वो मिल जाता है, जो उसके बाद क्या है 1,80,000 से 3,00,000 तक की भी जो ब्रैकेट है उन लोगों के लिए भी कुछ फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे हमारा जो आयुष्मान कार्ड है उसमें भी कुछ पेमेंट करके शायद जहाँ तक मुझे याद है 1,500 रुपये दे के 3,00,000 तक की इनकम वालों को भी आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। उसमें बेनिफिट ये है कि देखिए, अगर आप बाहर से अगर आप प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें चार्ज करना पड़ता है, 35,000-45,000 रुपये एक फैमिली का 4 मेंबर्स की। यहाँ पे 1,500 रुपये में जो लोग थोड़े संपन्न हैं उन लोगों के भी बन रहे हैं, तो इससे हेल्थ बेनिफिट तो है ही है हमें, और एक हमें एक सिक्योरिटी भी है कि मतलब अगर कुछ हेल्थ इश्यूज आते हैं तो एवरीथिंग इज़ कवर्ड। तो आपको किसी तरह की सुविधा मिली हो? देखिए, अभी तो मेरी फैमिली में, हाँ मतलब मेरे आस पड़ोस में, मेरे रिश्तेदारों में कुछ लोगों को ये फैसिलिटी मिली है, तो हाँ तो वो लोग, जैसे मेरी उनसे बात होती है या हुई है, वो कहते हैं कि हाँ, जैसे हमारे कोई जानकार थे वो उनका कुछ था तो उनका ट्रीटमेंट सारा फ्री हुआ, उनको कोई चार्ज नहीं लगा। तो ऐसे और बेनिफिट्स हैं, और जैसे मेरे नोन है, जैसे ही वो 60 साल के हुए
तो उनका तुरंत ही पेंशन के लिए उनका क्वालिफाई हो गया और उनको एक बार मैसेज आ गया कि आप आके एक बार अपने जो वेरिफिकेशन करके और आप दे दीजिए और उनकी पेंशन आ गई। मतलब उनको इधर उधर जाके जैसे सरपंच से या एमसी से और बाकी सब डॉक्यूमेंट्स करके वो सब उनको नहीं करना पड़ा, क्योंकि फैमिली आईडी के साथ क्या है, आपका आधार कार्ड लिंक है, एवरी मेंबर का जो हेड ऑफ फैमिली है उसका बैंक अकाउंट पैन कार्ड लिंक है, तो एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी अंडर वन रूफ। तो क्या होता है कि हमें बार बार वो डॉक्यूमेंट्स बार बार री वेरीफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है, तो ये बेनिफिट है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलजीत सिंह है। तो फैमिली आईडी में क्या कुछ लाभ मिला है आपको? फैमिली आईडी का लाभ मिला सर, आयुष्मान कार्ड मेरा बन चुका है जिसका मैंने लाभ भी लिया है पिछले, जैसे कि फैमिली आईडी से एक तो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो आराम से बन जाता है, वन क्लिक से ओबीसी का सर्टिफिकेट बन जाता है। पहले क्या हुआ करता था, पहले फाइल तैयार कराओ, एमसी के पास जाओ, एमसी से साइन करा के निगम में जाओ, मतलब 4 से 5 प्रोसेस पूरे करने पड़ते थे। उसके एससी का सर्टिफिकेट हो गया, एससी का सर्टिफिकेट हो गया, और भी जितने सर्टिफिकेट थे उनके लिए पहले एक 4 प्रोसेस थे, उसके बाद ये बना करता था। लेकिन अब क्या है, अब जस्ट एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपका वेरीफाई होगा और आपका ओबीसी सर्टिफिकेट लगा लो, एससी सर्टिफिकेट लगा लो, कोई भी सर्टिफिकेट लगा लो, जस्ट आधे या पौने घंटे में बन के आ जाता है जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नीरज तिवारी है। तो फैमिली आईडी बनी थी, क्या कुछ मतलब उससे सुविधा मिली है? सर फैमिली आईडी तो बनी थी हमारी, पर उसमें हमारा नाम चेंज हो गया था, सरनेम गलत हो गया था, पर वो हमारा एक ही दिन में ठीक हुआ। हम एक ही दिन नगर निगम गए, उन्होंने कहा सीएससी सेंटर जाओ, सीएससी सेंटर में एक ही दिन में हमारा ठीक हो गया, ये बहुत अच्छी बात थी। पिछली सरकार थी सर, वहाँ पर नगर निगम के चक्कर काटने पड़ते थे, अब जगह जगह सीएससी सेंटर हैं, बड़े से बड़ा डॉक्यूमेंट सीएससी सेंटर में बन जाता है। और फैमिली आईडी से सर एक फ़ायदा है, जब कोई फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते थे, अब बस फैमिली आईडी से सारा प्रोसेस हो जाता है। और राशन कार्ड, पहले खाकी राशन कार्ड थे, अब लगभग सारे हमारे वहाँ आस पड़ोस में सबके पीले राशन कार्ड हैं, जिनको तेल मिलता है, चीनी और अनाज हर महीने मिलता है मुफ्त। तो देखिए, लोगों से बातचीत करी तो लोगों का कहना है कि फैमिली आईडी से उन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला है और एक ही माध्यम से जो है उन्हें सभी तरह के जो सरकार के द्वारा स्कीमें हैं मिल जाती है, घर बैठे पेंशन बन रही है, राशन कार्ड बन रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि राशन कार्ड के लिए पहले उन्हें बाहर डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, लेकिन अब 1,80,000 से कम इनकम वाले जो लोग हैं उनके घर बैठे ही राशन कार्ड बने हैं। तो क्या कुछ लोगों ने कहा वो भी हमने आपको सुनवाया। तो अम्बाला से लोकल 18 के लिए सुमित यादव की ये खास रिपोर्ट।